आई फैन गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के 12:15 हो चुकी है और मैं नहा चुकी हूँ, नहा के आई हूँ। और देखिए मैं रात साड़ी पहनी हूँ येलो कलर का और इस पर ग्रीन ब्लाउज पहनी हूँ। अभी नहा के आई हूँ, थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हमारी दुकान थी तो दुकान में खाली कर रही हूँ, मुझे खाली करना पड़ रहा है किसी कारण बस, तो मैं खाली की हूँ। और बता दूँ कि हाँ ये साड़ी बहुत पुरानी साड़ी है, समझ लीजिए 8 साल पुरानी साड़ी है। और ये बहुत ख़ास भी है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे भाई का जन्म हुआ था उसमें मिला था हम लोग को, तो ये पुरानी साड़ी को हमने नए ब्लाउज से कंटेक्ट कर दी हमें, ये नए ब्लाउज में इसे लगा दी हूँ। तो आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आज अक्षय तृतीया है, तो आप सभी को हैप्पी अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया मुबारक हो। और ईद भी है तो जो हमारे मुस्लिम भाइयों हैं उन सभी को ईद मुबारक, इस्लाम जयंती भी है तो हैप्पी इस्लाम जयंती। तो चलिए एक साथ तीन दिन जी है आज। तो चलिए अभी तो मैं नहा के आई हूँ, थोड़ा बाल उल ठीक कर लूँ, फिर शॉर्ट वीडियो भी बनाना है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, बस सिंदूर लगा रही हूँ। तो देखिए देखते रहिए मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। चलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ शॉर्ट्स बनाने के लिए और थोड़ा व्लॉगिंग भी कर ली हूँ। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ और देखिए मैं अपना हेयर कटिंग खुद की हूँ आज, तो कैसी मेरी हेयर कटिंग हुई है, बस पीछे का लेंथ नहीं ली हूँ आगे कर ली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी। और बस और आप क्या बोलूँ, थोड़ा गम है आज क्योंकि आज हमारी पहचान थी हमारी दुकान, वो हमें खाली करना पड़ रहा है तो उसके लिए तो थोड़ा गम है, ये दुख भी है, लेकिन क्या करूँ, सोचिए आप लोग से बात करना है तो कर लेती हूँ। बहुत दिन के बाद आज मैं फिर से एक ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग को प्यार दीजिए, हमारे वीडियो को एंड तक बने रहिए और शेयर कीजिए और क्या बोलूँ। हमारी नई नई ब्लॉगिंग है तो हम नहीं ज़्यादा कुछ बोल पाती हूँ और नहीं इतना कुछ कर पाती हूँ, तो बस इतना ही। कभी हम भी बहुत खुश थे और हमारी बगिया बहुत हरी भरी थी, पता नहीं हमारी बगिया को किस शैतान की नज़र लग गई जो आज हमें वो दुकान खाली करना पड़ा। तो डर लग रहा है कि और क्या क्या होगा ज़िंदगी में। बस एक ही आशा है कि आप लोग सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, तो ही मैं कुछ और आगे कर पाऊँगी, नहीं तो अभी तक तो इम्तिहान ही देते आई हूँ, क्या बोलो आप लोग को। तो चलिए थोड़ा देखती हूँ बाहर क्या क्या हो रहा है हमारे घर के बाहर। देखिए ये हमारी घर है और देखिए एक बात और बता दो आप लोग से, ये हमारी मिस्सी है और मैं अपना ब्लाउज भी खुद ही से रेडी करती हूँ, तो कैसे रेडी की हूँ और यहाँ तक कि जो रेडीमेड लेती हूँ उसको भी अपने हिसाब से सेटिंग कर लेती हूँ। इसके लिए मैं आप लोग को भी बोलती हूँ कि अपना छोटा मोटा काम खुद करना चाहिए। देखिए मैं अपना हेयर कटिंग भी खुद ही सेट कर ली हूँ, तो आप लोग भी करते रहना चाहिए और हर काम सीखना चाहिए इंसान को, इसलिए नहीं कि हमें करना है, नहीं भी करना है तो कब आए तो करना पड़े इसके लिए, तो हमें अपने लिए हमें अपना काम करना चाहिए, हमें हर एक काम सीखना चाहिए। तो आप लोग से मैं यही बोलूँगी। और चलिए देखते हैं बाहर क्या क्या हो रहा है। देखिए ये हमारी छोटी सी घर है जिसमें मैं रहती हूँ, और देखिए ये हमारी बालकनी है। देखिए बाहर कितनी धूप मचरा रखी है, तो बस मैं यही बोलूँगी
और हाँ, आज अक्षय तृतीया है तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि जो अक्षय तृतीया को गोल्ड लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, तो आप लोग ज़रूर गोल्ड लें और अपने घर में बरकत बढ़ाएं। तो मैं यही बोलूँगी और क्या बोलूँ आप से, बस थोड़ा गम है, कुछ बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि आज मेरी दुकान खाली हो रही है। समझ लीजिए छोटा ही था, अगर पहचान तो था ना मेरा, मैं उससे कुछ कर तो रही थी ना, लेकिन खाली करना पड़ा किसी कारण, बस किसी शैतान की नज़र लग गई शायद मेरे बगिया, हरी भरी बगिया में जो आज उजरना पड़ रहा है, और वो शैतान कौन है मैं क्या बोलूँ। तो बस यही बोल रही हूँ आप लोग को, और मैं प्लीज़ बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और थैंक यू बोल रही हूँ कि जो लोग मुझे आज इतना तक पहुँचाए हैं उन लोग को दिल से थैंक यू कि आज मैं अपना टारगेट पूरा कर पा रही हूँ और कर ली हूँ, तो उन लोग को दिल से थैंक यू। बस इतना ही प्यार ज़्यादा काफ़ी नहीं है, और प्यार दीजिए मुझे, मुझे आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आप लोग नहीं दे रहे हो। दुख इस बात की है कि आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, खुशी इस बात की है कि थोड़ा ही सही कर तो रहे हो, रुके तो नहीं हो ना। तो इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कर पुर नहीं रही हूँ, लेकिन चल तो रही हूँ ना, नहीं करने से अच्छा कुछ करना तो है ना, तो कुछ कर तो रही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, कुछ गलती हो गए तो माफ़ कर दीजिए, और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही करिए, क्योंकि आप लोग किस किसी के सपोर्ट के बिना कोई कुछ नहीं है। देखिए मैं बहुत मेहनत की हूँ, हर जगह की हूँ, मैं उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दुकान भी चला रही थी तो दुकान भी अब चले गया, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दोबारा जॉब भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हमारी शादी 12 साल में ही हो गई थी, इसी कारण बस मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई हूँ। तो चलिए मैं एक बालिका वधू हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट और पूरा प्यार हमें दें कि ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि ज़िंदगी में जितना ठोकर खाई हूँ उतने का हिम्मत नहीं हो रहा है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो कुछ चल पाऊँगी, और क्या बोलूँ, बस ये थैंक यू का वीडियो था आप लोग के लिए, और रिक्वेस्ट इसलिए कि आप लोग हमें आगे लेके चलें, और थैंक यू इसलिए कि जितना लोग हमें सब्सक्राइब किए हो, हमें देखते हो, हमें सुनते हो, उन सबको थैंक यू, जो नहीं सुनते हो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी हमें सुने और हमें सपोर्ट करें, हमें आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो समझ लीजिए हमारी हिम्मत टूट जाएगी, हिम्मत टूट जाएगी तो मैं टूट जाऊँगी, मैं टूट गई तो मैं रह नहीं पाऊँगी साथ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इतना अच्छी नहीं है, थोड़ा दुख है, जो दुकान मेरा खाली हो रहा है, खाली करना पड़ रहा है, तो बस क्या बोलूँ, नहीं बोल पा रही हूँ, सॉरी। आप लोग हमारे वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और बहुत सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो आज खोई हूँ, खोया हुआ पहचान आप लोग मुझे फिर से दिला दीजिए। एक पहचान खोई है तो एक पहचान आप लोग दिलाइए मुझे प्लीज़, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो बस सॉरी, आप कुछ नहीं बोल पा रही, थैंक यू मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, हमारे वीडियो एंड तक देखिए, अच्छा लगे बुरा लगे पर देखिए, वीडियो की क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, हमारी दर्द को समझिए और हमें लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बाय।